अब हम देखते हैं आदर्शवाद क्या है। आदर्शवाद राज्य विश्वव्यापी नैतिक संगठनों का अंश न होकर समस्त नैतिक संसार का अभिभावक है। ये बोसांकी ने कहा था, राज्य विश्वव्यापी नैतिक संगठन का अंश न होकर समस्त नैतिक संसार का नैतिक संसार का अभिभावक है। राज्य की प्रकृति एवं उसके विभिन्न लक्ष्यों से संबंधित सामान्य विचारों का अध्ययन करने के बाद यह उपयुक्त रहेगा कि कुछ विचारधाराओं का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाए। इसमें आदर्शवादी, मार्क्सवादी, व्यक्तिवादी, फांसीवादी, राष्ट्रवादी, गांधीवादी आदि विचारधाराएं प्रमुख हैं। इन विचारधाराओं ने समाज व राज्य की प्रकृति के संबंध में अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं और राज्य के विभिन्न लक्ष्यों का वर्णन किया है। प्रस्तुत अध्याय में आदर्शवादी विचारधारा को लेंगे और तत्पश्चात अन्य विचारधारा को। आदर्शवादी विचारधारा, आदर्शवादी सिद्धांत उपयोगितावादी विचारों की प्रतिक्रिया थी। उपयोगितावादी विचारों की उपयोगितावादी मान्यताओं ने व्यवहार में राज्य को लगातार चुनौती दी। इसके द्वारा वर्णित आज्ञाकारिता का सिद्धांत दूषित हुआ। आदर्शवादी विचारधारा ने इस दोष को दूर करने का प्रयास किया। प्रोफेसर लास्की के कथनानुसार आदर्शवादी विचारधारा ने जो दृष्टिकोण अपनाया वह कई बातों पर आधारित था। इसने यह नहीं माना था कि स्वतंत्रता में प्रतिबंध का अभाव है। आदर्शवादी विचारकों के अनुसार यह मत अत्यंत निषेधात्मक है। प्रतिबंधों का आधार स्वतंत्रता की एक शर्त हो सकता है, किंतु यह स्वतंत्रता मूल सार नहीं है। इसका अर्थ है आत्मनिर्णय, मुझे अपना शासन स्वयं करना चाहिए, यानी मैं अपनी दासता से बचने के लिए दूसरों की आज्ञा का पालन नहीं करता, तो मुझे स्वयं को आज्ञा का पालन करना चाहिए ताकि स्वतंत्रता में एक रचनात्मक उद्देश्यता आ सके। इसका अर्थ यह नहीं होता कि व्यक्ति मस्तिष्क में अचानक आने वाली किसी भी अवसरगत इच्छा का आशाकारी बन जाए। तत्कालिक प्रवृत्तियों का दास होना बंधन का सबसे बुरा रूप है। स्वशासन का अर्थ तो केवल यह है कि मेरे ऊपर मेरी सच्ची आत्मा का नियंत्रण रहे। आदर्शवादी सिद्धांत ने यह माना था कि राज्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण निकाय है। राज्य अपने आप में एक महत्वपूर्ण निकाय है। इसका महत्व व्यक्ति की अपेक्षा अधिक है। व्यक्ति केवल राज्य की सदस्यता में रहकर ही अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। कांट, हीगल, ग्रीन, बोसांके आदि आदर्शवादी विचारकों ने राज्य की प्रकृति एवं लक्ष्यों के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। इन विचारकों के बीच विभिन्न प्रश्नों पर अनेक अंतर रहते हुए भी इनकी राज्य की प्रकृति के संबंध में कुछ सामान्य मान्यता हैं। ये निम्न प्रकार हैं। राज्य अनिवार्य है। प्राय सभी आदर्शवादी यह मानते हैं कि राज्य व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक संस्था है। व्यक्ति राज्य से पृथक नहीं रह सकता। वह न केवल अपने अस्तित्व के लिए वरन उसके समुचित विकास के लिए भी परम आवश्यक है। राज्य के बिना व्यक्ति की सभ्यता, संस्कृति, नैतिकता आदि का विकास नहीं हो पाता। राज्य एक नैतिक संस्था। आदर्शवादियों की यह मानता थी कि राज्य का मूल उद्देश्य व्यक्ति के सुख को बढ़ाना नहीं, वरन ऐसी परिस्थितियां तैयार करना जिनमें रहकर वह अपना पूर्ण नैतिक विकास कर सके। सुख को बढ़ाना नहीं, लेकिन पूर्ण नैतिक विकास की बात की है। वो संख्या ने माना कि राज्य के नैतिक विचार का मूर्त रूप ग्राह्य है। आदर्शवादियों की भी यह मानता है कि राज्य का जन्म कहीं बाहर से नहीं होता, वरन हमारे नैतिक विचारों का ही यह प्रत्यक्षीकरण है। राज्य के द्वारा सामाजिक सदाचार की वृद्धि की जाती है। यह विवेक का सर्वोच्च रूप है। सर्वशक्तिशाली राज्य। आदर्शवादियों ने राज्य की शक्ति पर कोई सीमा नहीं मानी थी। हीगल तो राज्य को स्वयं ईश्वर कहते हैं। यह धरती पर ईश्वर का अवतार है। उन्होंने माना कि राज्य एक ऐसी ईश्वरीय इच्छा है जो कि विश्वव्यापी व्यवस्था से प्रकट होती है। आदर्शवादियों ने राज्य की सत्ता को निरंकुशता और असीमितता के चौराहे पर लाकर उसे सर्वाधिकारवादी राज्य की भूमिका प्रदान की। राज्य के विरुद्ध किसी व्यक्ति को कोई कार्य करने ना करने के लिए कहा गया। राज्य में व्यक्ति के हितों की एकता। आदर्शवादियों की मानता थी कि व्यक्ति और राज्य के हितों के बीच कोई विरोध नहीं है। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के पूर्ण तथा स्वतंत्र विकास के लिए प्रयास करना है। उसके विरुद्ध कोई व्यक्ति कोई अधिकार देने का अर्थ है कि इस उद्देश्य की पूर्ति में बाधा डालना। राज्य ने व्यक्ति को असभ्यता, बर्बरता, मूर्खता और पस्ता से निकालकर सभ्यता और संस्कृति के प्रांगण में लाकर खड़ा किया, अतः वह उसका सच्चा मित्र है। राज्य का पृथक व्यक्तित्व।
प्राय सभी आदर्शवादी मानते हैं कि राज्य का व्यक्तित्व तो उसके सदस्यों से पृथक और स्वतंत्र होता है। राज्य के सदस्यों की इच्छा राज्य की इच्छा से भिन्न होती है, किंतु वह सदैव ही राज्य की इच्छा के अनुकूल होती है। हीगल ने राज्य को एक ऐसा व्यक्ति माना जिसमें आत्म चैतन्य नैतिक तत्व होता है। वह एक आत्मज्ञानी और आत्मानुभावी व्यक्ति है। राज्य सामान्य इच्छा का प्रतीक, राज्य के द्वारा व्यक्ति का सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व किया जाता है। आदर्शवादी विचारकों ने रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत को अपने दर्शन का केंद्र बिंदु बनाया। इनका मत था कि राज्य के माध्यम से व्यक्ति की वास्तविक इच्छा और उसकी अंत चेतना अव्यक्त होती है। राज्य के द्वारा किए जाने वाले समस्त कार्य वे होते हैं जिनको व्यक्ति का पवित्र एवं निस्वार्थ अंतकरण चाहता है। राज्य का आधार इच्छा है। आदर्शवादी सिद्धांत ने यह माना कि राज्य का आधार इच्छा है, वह किसी शक्ति या बल पर आधारित नहीं है। राज्य यद्यपि बल का प्रयोग करता है, किंतु यह उसका मौलिक गुण नहीं है। जो राज्य भय दिखाकर अपनी आज्ञाओं का पालन करवाता है, उसमें स्थायित्व नहीं है रहेगा। व्यक्ति राज्य की आज्ञा का पालन केवल इसलिए करते हैं कि वे जानते हैं कि राज्य उनकी सच्ची और उच्चतर आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है, और राज्य के माध्यम से ही वह अपने सामान्य हितों को प्राप्त कर सकता है। राज्य की आज्ञा पालन में स्वतंत्रता। आदर्शवादी विचारकों ने स्वतंत्रता का एक सकारात्मक अर्थ प्रस्तुत किया। उनके अनुसार राज्य के कानून का पालन करने में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता है, क्योंकि इन कानूनों का निर्माण व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए होता है। राज्य की आज्ञाओं का पालन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं, वरन वह सच्ची स्वतंत्रता है। इन विचारकों ने माना था कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता के लिए अधिकारों का होना जरूरी है, और इन अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। राज्य अधिकारों का आधार राज्य के विरुद्ध अथवा उसके बिना राज्य के विरुद्ध अथवा उसके बिना व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता। व्यक्ति समस्त अधिकार राज्य में ही जन्म लेते हैं। आदर्शवादी विचारकों ने प्राकृतिक अधिकारों एवं अथवा राज्य के पूर्व के अधिकारों की किसी मान्यता में विश्वास नहीं किया था। इनकी मान्यता थी कि अधिकार कुछ ऐसी बाह्य परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति के आंतरिक विकास के लिए आवश्यक हैं। राज्य इन परिस्थितियों को उत्पन्न करने वाली संस्था है, और इस रूप में वह व्यक्ति के अधिकारों का जन्मदाता है। राज्य समाज से अलग नहीं। आदर्शवादी विचारकों ने राज्य को सब कुछ माना है। राज्य से अलग व विरुद्ध विरुद्ध कुछ नहीं है। समान राज्य से पृथक कोई संस्था नहीं है। यह एक ही संस्था के दो नाम हो सकते हैं। सामाजिक अस्तित्व राज्य पर निर्भर है। सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं अभिन्न होती हैं। ये दोनों व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के लिए प्रतिशील रहती हैं। राज्य की प्रकृति से संबंधित आदर्शवादियों के उक्त धारणा को कट आलोचनाओं का विषय बनाया गया। स्वयं आदर्शवादी विचारकों ने ही उग्र और नर्म की दो गुट बन गए। उग्र गुट के मतानुयायी राज्य को पूर्ण शक्ति सौंपते हैं, जबकि नम्र गुट के वाले उसे नैतिकता से पृथक रखते हैं। उन्होंने राज्य को ही एक ही साथ शासक और शासित माना है। यदि राज्य सामान्य इच्छा की अवहेलना करके अपने कर्तव्यों को पूरा न करे, तो व्यक्ति उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकता है। आदर्शवादी विचारकों ने स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन के लिए आधार तैयार किया, और इसलिए इसकी आलोचना की गई। राज्य के कार्यों के संबंध में विभिन्न आदर्शवादी विचारकों ने अलग अलग मत प्रकट किए हैं। कांट ने यद्यपि राज्य को सर्वशक्तिमान और अपरिहार्य माना है, किंतु फिर भी असीमित कार्य नहीं। कांट की मान्यता थी कि प्रत्यक्ष रूप से राज्य व्यक्ति की नैतिक स्वाधीनता के विकास और प्रसार में कुछ नहीं कर सकता। राज्य का कार्य स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करना था। नैतिक विकास व्यक्ति की अंतःप्रेरणा से ही हो सकता है, इसके लिए राज्य की सहायता जरूरी नहीं है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का पोषक है कि नैतिकता के लिए परम आवश्यक है। राज्य जनता की इच्छा पर आधारित है। जनता ने स्वेच्छा से ही राज्य की को यह अधिकार सौंपा कि वह उसको नियंत्रित और व्यवस्थित करे। जनता की इच्छा एकीकृत नहीं होती, वरन वह विभिन्नतापूर्ण होती है, और इसलिए राज्य की इच्छा उच्च है, क्योंकि इसमें ये दोनों विशेषताएं प्राप्त होती हैं। राजनैतिक जीवन की एक आवश्यक शर्त है। नैतिक जीवन को नियमित करने वाले सर्वव्यापी कानून केवल राज्य के द्वारा ही मनवाए जा सकते हैं। राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, वरन एक सकारात्मक अच्छाई है। एक अन्य आदर्शवादी विचारक हीगल के मतानुसार राज्य व्यक्ति की आत्मा की बाह्य अभिव्यक्ति है।
राज्य के द्वारा ही परिवार तथा समाज की सुरक्षा एवं पूर्णता की प्राप्ति का प्रबंध किया जाता है। राज्य स्वतंत्रता का वास्तविक रूप है, यह विवेक की अभिव्यक्ति है तथा यह परिपूर्ण ज्ञान की साकार प्रतिमा है। व्यक्ति एवं राज्य को हीगल ने एक रूप माना है, दोनों के हित एक जैसे होते हैं। स्टेस के शब्दों में, हीगल के लिए राज्य स्वयं व्यक्ति ही है, केवल राज्य में ही व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की अनुभूति करता है। हीगल का राज्य आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही जगत का केंद्र था। कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति के आध्यात्मिक गुणों की परिपूर्णता एवं व्यक्ति के अंतर से उसका एक आध्यात्मिक स्वरूप होता है। उसके समुचित विकास के लिए ही राज्य को बाह्य कार्य करने होते हैं। राज्य व्यक्ति की अपूर्णताएं एवं स्वेच्छाचारिताओं का दमन करके उसके आध्यात्मिक विकास को संभव बनाता है। इसी अर्थ में राज्य व्यक्ति से श्रेष्ठ एवं उच्च है। हीगल की मान्यता थी कि राज्य सदैव ही व्यक्ति की असली इच्छा की अभिव्यक्ति करता है। जब कभी एक व्यक्ति को राज्य द्वारा दंड दिया जाता है तो वह भी उसकी वास्तविक इच्छा की अभिव्यक्ति ही होती है। हीगल ने राज्य को नैतिकता से ऊपर माना है। गार्डनर के कथानुसार यह एक ईश्वरीय राज्य है जो कभी कोई गलती नहीं कर सकता। मैक वर्न के कथानुसार हीगल ने यह घोषणा की थी कि राज्य स्वयं एक साध्य है तथा व्यक्ति एक साधन मात्र है। इसका साध्य उस राज्य का ऐश्वर्य है जिसका कि वह सदस्य है। इस प्रकार हीगल के मतानुसार राज्य व्यक्ति की सुरक्षा तथा भलाई का साधन मात्र न होकर अपने आप में एक साध्य होता है। व्यक्ति की समस्त व्यक्ति की समस्त आकांक्षाएं एवं आवश्यकता राज्य में रहकर ही पूरी होती हैं। राज्य के अतिरिक्त अन्य कोई संस्था ऐसी नहीं है जिससे व्यक्ति सहायता की आशा कर सके। राज्य द्वारा व्यक्ति की सारी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं, इसलिए वह उससे पूर्ण शक्ति की मांग कर सकता है। देखने में तो लगता है कि इससे व्यक्ति की हानि होगी, किंतु यह वास्तविकता नहीं है। कुल मिलाकर व्यक्ति लाभ में ही रहता है। केवल राज्य की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है, उसी में वह नैतिकता प्राप्त करता है तथा यही उसे अधिकार प्राप्त होते हैं। आदर्शवादी सिद्धांत के एक अन्य प्रमुख विचारक हैं टॉमस हिलग्रेन, टी एच ग्रीन ने राज्य के लक्ष्य एवं कार्यों के बारे में अपने भौतिक विचार प्रकट किए हैं। ग्रीन का यह स्पष्ट मत है कि राज्य का उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास है, अतः उसके लिए इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर होने चाहिए। ग्रीन ने किसी पूर्ण राज्य का चित्र नहीं खींचा था, उसके राज्य का बाह्य एवं आंतरिक दोनों ही प्रकार की सीमाएं हैं। उनका कहना था कि राज्य को निषेधात्मक एवं विधेयात्मक दोनों ही प्रकार के कार्य करने चाहिए। राज्य को चाहिए कि व्यक्ति को ऐसे कार्य करने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करे जिनको कि वह कर सकता है। ऐसे कार्यों के मार्ग में आने वाले अवरोधों को राज्य के द्वारा दूर किया जा सकता है। राज्य जहाँ नैतिक विकास के लिए उपयुक्त समझे वहाँ उसे व्यक्ति के कार्य में हस्तक्षेप करना चाहिए। उपयुक्त अवसरों पर वह बल का प्रयोग भी कर सकता है। ये लोग सामाजिक प्रगति के मार्ग में बाधक बनते हैं, उसके लिए राज्य द्वारा दंड की व्यवस्था की जाती है। ग्रीन ने यह माना था कि राज्य नैतिकता को लागू नहीं करा सकता, यह उसकी शक्ति की सीमा है। बलपूर्वक किसी व्यक्ति को नैतिक नहीं बनाया जा सकता। हो सकता है कि राज्य दंड के माध्यम से चोरों को चोरी करने से रोक दे, किंतु वह ऐसा नहीं कर सकता कि लोग चोरी का विचार ही छोड़ दें। यह तो व्यक्ति की अंतःप्रेरणा द्वारा ही हो सकता है। राज्य के द्वारा केवल यही किया जा सकता है कि वह श्रेष्ठ जीवन बिताने के लिए अनुकूल वातावरण और परिस्थितियाँ पैदा करें। इससे अधिक वह कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही उसे करना चाहिए। राज्य किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता कि वह रहन सहन के निकृष्ट की अपेक्षा श्रेष्ठ तरीकों को पसंद करे। ग्रीन का कहना था कि निषेधात्मक रूप से राज्य को बर्बरता, अपस्ता एवं अज्ञानता आदि का निराकरण करके व्यक्ति के नैतिक विकास के लिए शिक्षा का उचित प्रबंध करना चाहिए। उसे व्यक्तित्व संपत्ति को देखभाल करनी चाहिए, मद्यपान को रोकना चाहिए तथा भिक्षावृत्ति को समाप्त कर देना चाहिए। ये सभी कार्य आदि राज्य द्वारा न किए गए तो मनुष्य के विकास में बाधा आ सकती है। ग्रीन द्वारा वर्णित इन कार्यों के आधार पर वर्कर ने यह मत प्रकट किया कि ग्रीन की धारणा के अनुसार राज्य का कार्य आवश्यक रूप से नकारात्मक है। वह उन बाधाओं को हटाने तक सीमित है जो कि मानवीय क्षमता को वह कार्य करने से रोकती हैं जो कि उसे करना चाहिए। ग्रीन द्वारा वर्णित राज्य के कार्यों को वर्कर ने दो अर्थों में सकारात्मक माना है। वर्कर ने प्रथम राज्य द्वारा निषेधात्मक कार्यों को संपन्न करने में सक्रिय होना पड़ता है, वह शक्ति का प्रयोग करके भी स्वतंत्रता विरोधी शक्तियों का प्रतिकार करता है। दूसरे, राज्य का सर्वोपरि लक्ष्य भी सकारात्मक प्रकृति का होता है। इसके अनुसार वह सामान्य हित की प्रगति से आत्मनिर्णय करने के हेतु मानव प्रतिभा को स्वतंत्र करने का प्रयास करता है। ग्रीन ने राज्य का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य यह माना था कि इसके द्वारा विभिन्न संघों के पारस्परिक संबंधों को सुव्यवस्थित किया जाता है।
इसके द्वारा प्रत्येक समूह के आंतरिक अधिकार व्यवस्था का संतुलन किया जाता है। एक समन्वयकारी संस्था के रूप में राज्य अन्य संस्थाओं से उच्च होता है। ग्रीन के अनुसार राज्य समाजों का समाज होता है। यद्यपि विभिन्न समाज राज्य के द्वारा बनाए जाते हैं, किंतु वह उनके बीच समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य करता है। ग्रीन ने माना कि राज्य और समाज यद्यपि परस्पर विरोधी नहीं है, किंतु फिर भी वे एक दूसरे से भिन्न है। अन्य आदर्शवादी विचारक बोसांके ने राज्य के संबंध में अपना दार्शनिक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार राज्य का अपना निजी व्यक्तित्व होता है। राज्य के जन्म तथा इतिहास के अन्वेषण का राज्य के दार्शनिक स्वरूप से कोई संबंध नहीं है। बोसांके ने राज्य को एक नैतिक एवं प्राकृतिक संस्था माना है। राज्य को सर्वोच्च संस्था एवं नैतिक कल्पना का प्रतीक है। उनके शब्दों में राज्य एक नैतिक विचार है, क्योंकि यह संपूर्ण जीवन के अंतिम कार्यवाहक मानता है। बोसांके ने प्रत्येक संस्था का एक निश्चित विचार अथवा उद्देश्य माना था। यह विचार उसकी सामान्य भावना होती है। राज्य का व्यक्तित्व तो अपने आप में एक विचार है। बोसांके के कथनानुसार राज्य समस्त नागरिकों के समस्त मस्तिष्क का समन्वय रूप है। वैसे तो प्रत्येक संस्था सामूहिक मस्तिष्क के विचारों पर आधारित होती है, किंतु राज्य एक बड़ी संस्था है और इसलिए उसके सामूहिक मस्तिष्क का क्षेत्र भी दूसरे संस्थाओं की अपेक्षा बड़ा होता है। अपने संक्षिप्त अर्थ में राज्य शक्ति का प्रयोग करने वाला राजनीतिक संगठन मात्र है। इसके द्वारा समाज के लिए आवश्यक सभी प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान की जाती है। अपने व्यापक अर्थ की दृष्टि से राज्य एक सामान्य संगठन है तथा जीवन का संवाद है, जिसमें परिवार से लेकर व्यापार तक, व्यापार से लेकर चर्च तक तथा विश्वविद्यालय तक की संस्थाओं का समस्त पद सोपान सम्मिलित होता है। इन संस्थाओं के द्वारा जीवन निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार बोसांके ने संपूर्ण मानव जीवन को राज्य के अंतर्गत माना। राज्य में मनुष्य जीवन की संपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। राज्य स्वयं बोसांके के कथनानुसार राज्य से हमारा अर्थ एक इकाई के रूप में उस समाज से है जो निरंकुश भौतिक शक्ति से अपने सदस्यों पर नियंत्रण रखती है। बोसांके ने माना कि राज्य समुदायों का समुदाय, संस्थाओं की संस्था और संघों का संघ है, इसलिए वह बल प्रयोग भी कर सकता है। राज्य का उद्देश्य व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करना है, ऐसा करने के लिए वह बल प्रयोग भी कर सकता है। राज्य का कार्य क्षेत्र सर्वव्यापी है। सच्ची स्वतंत्रता केवल राज्य में ही रह सकती है। बोसांके ने राज्य को सर्वोच्च नैतिकता का मूर्तिमान रूप मानकर उसकी तुलना में व्यक्ति को कम महत्व दिया। बोसांके ने राज्य संबंधी विचार बहुत कुछ हेगल से मिलते हैं। इसने राज्य क्यों नैतिकता से ऊपर माना। राज्य स्वयं एक अंतिम नैतिक शक्ति है और इससे नागरिकों के अंतःकरण का संरक्षण किया जाता है। व्यक्ति को राज्य के प्रति भक्तिभाव रखना चाहिए। बोसांके ने ग्रीन के भांति यह माना था कि राज्य को अच्छे जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाना चाहिए। असल में राज्य शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए विधेयात्मक रूप से कुछ भी नहीं कर सकता, वरन वह ऐसे जीवन को बाधाओं को हटा सकता है। बोसांके ने माना था कि यद्यपि राज्य के कार्यों का स्वरूप नकारात्मक सा प्रतीत होता है, किंतु अपनी वास्तविक क्रिया या अंतिम उद्देश्यों की दृष्टि से विधेयात्मक बन जाता है। इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जाता है कि शिक्षा के प्रसार द्वारा अज्ञान को दूर करना और शराब के क्रय विक्रय पर रोक लगाकर नशाबंदी करना आदि कार्य नैतिक होने के कारण विधेयात्मक हैं। इनके द्वारा चरित्र के गुणों को स्वतंत्र किया जाता है और इसलिए वे केवल निषेधात्मक नहीं कहे जा सकते। इस दृष्टि से देखने पर यह कहा जा सकता है कि बोसांके द्वारा वर्णित राज्य के कार्यों का सिद्धांत ग्रीन से मिलता जुलता है। राज्य के कार्यों का महत्वपूर्ण एवं मूल्य केवल तभी होता है जबकि वे स्वतंत्र इच्छा द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। राज्य व्यक्ति के अंतःकरण को प्रभावित करके उसे प्रत्यक्ष रूप से नैतिक नहीं बना सकता, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से वह नैतिकता की वृद्धि के लिए कार्य कर सकता है। बोसांके एक अर्थ में ग्रीन से भिन्न है और उन्होंने राज्य के कार्यों पर नैतिकता की सीमा नहीं लगाई। उनका विश्वास था कि राज्य से पृथक कोई नैतिक व्यवस्था नहीं होती, राज्य ही संपूर्ण नैतिक जगत का संरक्षक है। बोसांके के मतानुसार नैतिक संबंधों के लिए एक संगठित जीवन आवश्यक है और ऐसा जीवन केवल राज्य में ही संभव है। बोसांके ने व्यक्तिगत और सार्वजनिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया। उनका कहना था कि यदि एक व्यक्ति दूसरे की हत्या करता है तो यह एक व्यक्तिगत कार्य है, और यदि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध छेड़ दे तो इसे सार्वजनिक कार्य माना जाएगा। कार्यों के इन दोनों प्रकारों में नैतिकता का स्तर अलग अलग होता है। बोसांके का कहना है कि व्यक्ति स्वार्थ के वशीभूत होकर नीच कार्य कर सकता है, किंतु राज्य व्यक्तियों के नैतिक हित के उच्च आदर्श को ध्यान में रखकर ही कार्य करता है। ऐसी स्थिति में यदि राज्य युद्ध भी छेड़ दे तो बुरा नहीं होगा। इसी आधार पर बोसांके ने युद्ध का समर्थन किया।
जहाँ तक व्यक्तिगत अपराधों का संबंध है, उनमें समाज की कोई रुचि नहीं हो सकती। व्यक्ति इन कार्यों का उत्तरदायित्व तो राज्य के ऊपर नहीं डाल सकता। राज्य के द्वारा सार्वजनिक कार्य किए जाते हैं क्योंकि वे जनता का रक्षक है। व्यक्तिगत आधार पर राज्य के कार्यों की आलोचना करना अनुचित है। उसे व्यक्तिगत अनैतिकता का अपराधी नहीं कहा जा सकता। राज्य की आलोचना केवल उन्हीं कार्यों की दृष्टि से की जाती है जो कि वह अपने दायित्वों को पूर्ण करने के लिए करता है। राज्य यदि समाज के सक्रिय समर्थन से अनैतिक कार्य करता है तो वह निंदा के योग्य हैं और मानवता तथा इतिहास के न्यायालय के सम्मुख उनका निर्णय किया जाएगा। व्यक्तिगत न्यायालय राज्य के कार्यों का निर्णय करने के लिए अनुपयुक्त है। राज्य के कार्य आलोचना के विषय बन सकते हैं, किंतु यह जरूरी नहीं कि उनका निर्णय व्यक्तिगत नागरिकों की बात किया जाए। राज्य के अधिकारियों या विभिन्न पद अवकरणों के द्वारा यदि कोई अनैतिक कार्य किया जाए तो उसके लिए राज्य को दोषी नहीं ठहराया जाएगा। आदर्शवाद के विभिन्न विचारकों द्वारा वर्णित राज्य के कार्यों एवं उद्देश्यों से संबंधित विचारों का अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि आदर्शवादियों ने राज्य का कोई मूल उद्देश्य व्यक्ति का नैतिक विकास एवं उसके व्यक्तित्व का पूर्णता को माना है। यदि भी इन विचारकों ने राज्य के कार्यों के भौतिक पहलू की अवहेलना नहीं की, किंतु फिर भी उनको अधिक महत्व नहीं दिया। राज्य के द्वारा ही व्यक्ति को नैतिक स्वतंत्रता प्रदान की जाती है और वही उसमें विभिन्न गुणों का संतुलित विकास करता है। ये था हमारा आदर्श।